इसके मार्केट रेट लगभग 2 से 10 लाख रुपए के बीच में चल रहे हैं, क्योंकि ये एक सिक्का आपको लगभग 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक आसानी से दिला सकता है। ये है एक्सट्रीमली रेयर सिक्का, जिसकी अभी कीमत चल रही है लगभग 25 से 80,000 रुपए के बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कॉइन्स एंड करेंसी के सबसे ट्रस्टवर्दी चैनल कॉइन बाजार पर। दोस्तों, ये सिक्का आपको आम सिक्का लग सकता है, लेकिन ऐसे सिक्के कभी कभी रेयर भी निकल जाते हैं, और मुझे खुद आम चलन से काफी सारे रेयर और स्केयर सिक्के मिले हैं, जिनकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, ये 1 रुपए के सिक्के 1982 से 2004 तक बनाए गए थे, और आज भी हमें ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, कभी सब्जी वाले के पास तो कभी दुकानदार के पास। तो आज ये जानेंगे कि इनमें कौन से सिक्के हैं जो आपने कलेक्ट किए हैं और वो आज रेयर हैं, यानी कि लाखों रुपए की कीमत रखते हैं। क्योंकि हमारे पास काफी टाइम से काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 1 रुपए के सिक्कों के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, और उनमें से कौन से हैं वो सिक्के जो सबसे ज्यादा कीमत रखते हैं ये भी बताइए। तो आपके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। और दोस्तों, इनसे पहले कुछ ऐसे दिखने वाले सिक्के भी चलाए जाते थे, जिन्हें हम आम भाषा में डब्बू कॉइन भी कह देते हैं। और शायद आपको ना पता हो कि इनमें से कुछ सिक्के बेहद कीमती भी होते हैं। अगर उनके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो बस एक कमेंट कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, 1982 से 2004 के बीच दो तरह के सिक्के बनाए गए थे। एक टाइप के थे ये कॉपर निकल वाले सिक्के, और ये 1982 से 1991 तक बनाए गए। 6 ग्राम वजनी ये सिक्के अब तो लगभग चलने बंद ही हो गए, और अगर आपको मिला तो एक आधा मार्केट में मिल सकता है, वो भी बहुत ज्यादा ढूंढने पर। और इनके बाद 1992 से यानी 1992 से 2004 तक आए ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के, और ये 4.85 ग्राम के होते हैं, और ये सिक्के आज भी चलन में है दोस्तों, आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि इन सभी सिक्कों में से कौन से हैं वो सिक्के जो अच्छी खासी कीमत पर सेल हो सकते हैं। दोस्तों, ये 1982 का सिक्का आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बॉम्बे मिंट से आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क डायमंड शेप वाला होता है। और दोस्तों, ये सिक्का जो है बड़ा ही आम सा दिखने वाला सिक्का है, लेकिन इसकी कीमत जानकर आप हिल जाओगे। ये सिक्का दोस्तों एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। एक तो होता है रेयर, और फिर आता है एक्सट्रीमली रेयर, और ये है एक्सट्रीमली रेयर सिक्का, जिसकी अभी कीमत चल रही है लगभग 25 से 80,000 रुपए के बीच में। बहुत सारे लोगों को ऐसा 1982 का सिक्का मिल जाता है, और वो सोचते हैं कि इसकी भी कीमत 25 से 80,000 रुपए के बीच में होगी। पर दोस्तों, ये जो सिक्का है ये कॉमन सिक्का होता है, और इसके और रेयर सिक्के के डिजाइन में आप अंतर भी देख सकते हैं। कॉमन वाला सिक्का 8 ग्राम वजन का होता है, और रेयर वाला सिक्का 6 ग्राम का। अगर आपको डिफरेंस भी नहीं समझ आ रहा, तो आप बस सिक्के का वेट देखकर समझ लीजिए। अगर उसका वेट 6 ग्राम है तो वो एक रेयर सिक्का है। और बड़ी हैरत की बात है दोस्तों कि 1 रुपए का सिक्का भी इतना महंगा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप डायरी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब जो मैं आपको सिक्के बताने वाला हूँ ये कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा कॉमन होते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा रेयर बन गए हैं। तो अपनी डायरी में इन्हें नोट करते रहिए, और अपने सिक्कों में इन्हें तलाशिए, हो सकता है कि आपके पास में भी कोई सिक्का पड़ा। अगला सिक्का है दोस्तों 1983 का, ये हैदराबाद मिंट का सिक्का। इसे बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद मिंट ने बनाया था, लेकिन इसमें हैदराबाद मिंट वाला सिक्का ही आज एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये सिक्का इतना ज्यादा रेयर है कि कॉइन बुक में अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसके प्राइस ही नहीं लिखे, उनकी जगह ये स्टार बने हुए हैं, और रेयरिटी में ये देख सकते हैं आप एक्स है, यानी एक्सट्रीमली रेयर। और ये सिक्के दोस्तों पूरी दुनिया में एक या दो ही सामने आए हैं। इसमें बॉम्बे और कोलकाता मिंट के सिक्के तो कॉमन है, लेकिन ये सिक्का आज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन गया है। देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में और मैसेजेस में पूछते हैं कि सिक्के कैसे रेयर बनते हैं। तो दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि कोई भी सिक्का आम से खास बनने में कॉमनली 2-3 वजहें होती हैं, जैसे कि सिक्के का मिंटिंग ईयर, सिक्का किस साल में मिंट हुआ है, और सिक्का कौन सी मिंट से जारी हुआ है, और उस सिक्के की मिंटेज क्या है, यानी कितनी क्वांटिटी में वो सिक्का बनाया गया है, और भी ऑफ मेटल स्ट्राइक या फिर एरर वगैरह आ जाते हैं, जो कि एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अगर ये 1983 वाले सिक्के के रेटों के बारे में अगर बात करें, तो इसके मार्केट रेट लगभग 2 से 10 लाख रुपए के बीच में चल रहे हैं। दोस्तों, ये जो सिक्के मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आज आपने ढूंढना चालू किया और आपको कल मिल गए। इन्हें आपको तसल्ली से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये आज के टाइम में आम चलन से मिलना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को आम चलन से ये सिक्के मिल जाते हैं, और कई बार तो उन्हें इन सिक्कों की सही कीमत नहीं पता होती, और वो आम चलन में इन्हें 1 रुपए में ही चला देते हैं। तो अगला जो सिक्का है वो है 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। इसमें भी
बॉम्बे और कोलकाता कॉमन है और हैदराबाद मिंट रेयर है। ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। इसके प्राइस दोस्तों 200 रुपए से 700 रुपए के बीच होते हैं। इनके प्राइस दोस्तों कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इन्हें बेचने जाएंगे तो सामने वाला कलेक्टर कॉइन की कंडीशन देखेगा। अगर कंडीशन ही उसकी बेकार है, जैसे घिसा पिटा सिक्का है या फिर डेंट हुआ हुआ सिक्का है, तो उसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी। इसके बाद 1986 और 1987 में ये दोनों ही सिक्के बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट से आए थे, लेकिन दोनों ही सालों में केवल हैदराबाद मिंट के सिक्के ही स्केयर हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ हैदराबाद मिंट के सिक्के की ही आपको एक सही कीमत मिल सकती है, बाकी बॉम्बे और कोलकाता मिंट के सिक्के कॉमन है। तो इस 1986 के हैदराबाद मिंट के सिक्के के रेट चल रहे हैं 500 रुपए से 1200 रुपए के बीच में, और 1987 वाले हैदराबाद मिंट के सिक्के के रेट होते हैं लगभग 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में। फिर अगर बात करें 1988 और 1989 के सिक्कों की, और इन्हें चारों मिंट से इशू किया गया था दोस्तों, लेकिन इसमें सिर्फ नोएडा मिंट के सिक्के की ही कीमत बाकी तीनों मिंटों के सिक्के से ज्यादा है, क्योंकि बाकी तीनों मिंट के सिक्के कॉमन है। नोएडा मिंट को पहचानने के लिए आपको ये ईयर के नीचे ऐसा डॉट मार्क देखने को मिलेगा। डॉट मार्क ही दोस्तों नोएडा मिंट की पहचान होती है, और अगर आपके पास इसमें 1988 नोएडा मिंट का सिक्का है तो वो आपको दिलवा सकता है लगभग 1500 रुपए से 3000 रुपए के बीच में, और 1989 का नोएडा मिंट का सिक्का आपको 200 रुपए से 700 रुपए तक में मिल जाएगा। दोस्तों मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि ऐसे रेयर सिक्के रोजाना लोगों के हाथों में से कितने निकल जाते होंगे, और अधिकतर लोग अनजान हैं, उन्हें पता ही नहीं है इनके बारे में। तो अगर आपको भी कोई रेयर सिक्का आम चलन से मिलता है तो बताओ कॉमेंट में, और अगर आप वीडियो भेजना चाहते हो तो इस मेल पर वीडियो सेंड कर दो, हम आप में से कुछ लोगों की वीडियो अपने चैनल की वीडियोस में दिखाएंगे। इसके बाद ही 1990 वाला सिक्का भी चारों मिंटों से आया था, और सभी मिंटों के सिक्के कॉमन और स्केयर ही होते हैं, लेकिन इनमें नोएडा मिंट का जो सिक्का है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अगर ये सिक्का है आपके पास दोस्तों तो ये फ्यूचर के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि देखो ये सिक्का आज के डेट में स्केयर है लेकिन ये रेयर भी बन सकता है, और इसकी कीमत आजकल लगभग 500 रुपए तक चल रही है। अब आता है 1991 का ये रेयर कॉइन, और ये भी चारों मिंटों से आया था, लेकिन इसमें भी नोएडा मिंट का सिक्का ही सबसे कीमती होता है, क्योंकि ये सिक्का दोस्तों बुक में तो रेयर लिखा हुआ है लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से ये सिक्का आज एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिक्का आपको लगभग 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक आसानी से दिला सकता है। और इसके बाद दोस्तों 1992 से 2004 तक ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के चलाए गए, जो कि आज भी आम चलन में आ रहे हैं। इसमें दोस्तों 1992 से 1996 तक जितने भी सिक्के हैं वो सभी सिक्के आज स्केयर की कैटेगरी में आ चुके हैं, और मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग इन सिक्कों के फ्यूचर में रेट्स बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी सिक्का कॉमन से स्केयर में तभी जाता है जब वो मार्केट में कम हो, और रेयर तब बनता है जब बिल्कुल ही कम हो। तो आप इन 1992 से 1996 तक के सभी सिक्कों को कलेक्ट कर सकते हैं, और आजकल इनकी कीमत भी काफी कम है, और इनका आजकल मार्केट प्राइस 1500 रुपए से 100 रुपए तक चल रहा है, और बाकी 1997 से 2004 तक के बने सभी सिक्के कॉमन होते हैं और इनकी कीमत केवल 1 रुपए से 10 रुपए तक ही हो सकती है। दोस्तों 2004 में आपको ऐसा गेहूं वाला सिक्का भी देखने को मिल जाएगा जो कि कॉमन होता है, और 2004 में ही 1 रुपए का एक ऐसा क्रॉस कॉइन भी आता है जो कि काफी कीमती होता है। इस सिक्के के बारे में मैं जल्द ही एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी सिक्का है तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। तो जाते जाते एक जरूरी बात, ये सिक्के आपको coinbazaar.com पर भी मिल जाएंगे, वो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। और यही नहीं, coinbazaar.com पर और भी सभी तरह के कॉइन्स और नोट्स अवेलेबल हैं, और आप CBYT कूपन कोड को यूज कीजिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने कॉइन्स के एक्चुअल प्राइसेस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए कॉइनेज ऑफ इंडिया एप्लीकेशन को। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मेरा पर्सनल सजेशन है, इस वीडियो को भी जरूर देख लेना।